भैया राम राम। भैया राम राम। आओ भैया बैठो। ब्रजेश जी, आज आप क्या कर रहे हो? गौरव जी, आज हम बीज अमृत बना रहे हैं। ब्रजेश जी, आप बीज अमृत क्यों बनाते हो? हानिकारक फफूंदों से, फैलने वाली बीमारियों से बीजों की रक्षा करना। इससे हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, इसलिए हम बीज अमृत बनाते हैं। ब्रजेश जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि बीज अमृत बनाने में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें एक खाली मटके की जरूरत पड़ती है। इसके बाद देसी गाय का 5 किलो गोबर। इसके बाद 5 लीटर गोमूत्र और 50 ग्राम चूना। और 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आप बीज अमृत कैसे बनाते हैं, क्या आप हमें बना के बताएंगे? सबसे पहले एक हम खाली मटका लेते हैं, उसके बाद में 5 किलो गोबर लेते हैं और मटके में डालते हैं। इसके बाद हम 5 लीटर गोमूत्र लेते हैं। इसमें हम 50 ग्राम चूना डालते हैं। इसके बाद भैया हम 20 लीटर पानी डालते हैं। भैया आप इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद भैया हम इसको किसी सुरक्षित स्थान पर 24 घंटे के लिए रख देते हैं। इस अवधि में इस सामग्री को लकड़ी की सहायता से 2 से 3 बार हिलाते हैं। क्या हम इसका उपयोग अन्य फसलों के बीजों में कर सकते हैं? हाँ भैया, हम इसका प्रयोग अन्य फसलों के बीजों में भी कर सकते हैं। आज आपने हमें बीज अमृत बना के बताया, इससे आपको क्या फ़ायदे हैं? इसे बनाना आसान है, इसकी सामग्री घर में ही मिल जाती है। यह बीजों को फफूंद से लगने वाली बीमारियों से बचाता है। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते और इसे बनाने में कोई लागत नहीं आती और यह घर पर आसानी से बन जाता है। ब्रजेश जी, आज आपने हमें बीज अमृत बना के बताया और उसके फ़ायदे बताए, अब आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि सभी किसान भाई बीज अमृत बनाएं और अधिक से अधिक लाभ लें। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बीज अमृत बना के बताया और उसके फ़ायदे बताए। मैं आशा करता हूँ कि सभी किसान भाई बीज अमृत बनाएंगे और अधिक से अधिक फ़ायदा लेंगे। अच्छा, तो भैया राम राम। राम राम। जैसा कि किसान भाइयों, आज आपने देखा कि हमारे किसान भाई ब्रजेश जी ने हमें बीज अमृत बना के बताया और उसके फ़ायदे बताए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी किसान भाई बीज अमृत बनाएंगे और अधिक से अधिक फ़ायदा लेंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम।